सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ, डीएसपोर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानर श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में हुए बहुजन समाज पार्टी के जमाशेरों, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतनी भारी संख्या में आज आप खड़े हुए और वाकई आज जो आपका जोश है, जो भरतपुर का जो माना बहन जी कहती हैं कि हमें भरतपुर से बहुत लगाव है, रियली अगर राजस्थान की बात होती है तो बहन जी के जबान पे सबसे पहले नाम आता है तो भरतपुर का साथी आता है। तो आज आपने दिखा भी दिया कि आप इस काबिल तारीफ हैं साथी। और आज जो आपका जोश हमें दिखाई पड़ा, अभी तो दो विधायक जीते थे और वो दोनों गद्दारी करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में कांग्रेस में भाग गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो आपका जोश हमें देखने को मिला है, आने वाले 2023 में बहुजन समाज पार्टी 7 के 7 विधायक भरतपुर जीत के जाएगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं साथियों, अब कांग्रेस और बीजेपी के लोग बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान का रोक नहीं सकते। आपने बहुत रोकने का प्रयास किया, 2008 में रोक लिया आपने, 6 विधायक तोड़ लिए और 2018 में हमारे आपने तोड़ लिए विधायक, और हमने तो आपको समर्थन दिया हुआ था, बाहर समर्थन दिया हुआ था, कोई डिमांड नहीं करी थी, बस ये बात थी इस प्रदेश के अंदर सामंतवादी ताकतें सरकार ना बना सके, इसलिए हमने आपको बाहर समर्थन दिया। और आपने क्या किया, आपने पीठ पर खंजर फूंकने का काम आपने किया सर। मानर श्री कांसी राम साहब कहते थे ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक, एक नागनाथ है तो दूसरा हरी घास का सांप था, एक नागनाथ है, नाग सामने से आता है डसने के लिए आता है, तो आपको एहसास हो जाता है ये सांप आ रहा है, आप लाठी बल्लम लेकर तैयार रहते हैं साथी, लेकिन ये कांग्रेस हरी घास का सांप है, आपके साथ बैठेगा, आपकी आपके साथ घास में बैठा होगा और चुपचाप आके डस के चला जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा साथियों। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि मानर श्री कांसी राम साहब ने जो बात कही थी वो 100% आज सही निकली है, दो बार इन कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने का काम किया साथियों। और मैं चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं पूरी की पूरी कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस, अगर इस इतिहास में मैं लिख लेगा इस बार 2023 में पूरी की पूरी कांग्रेस अगर यहां राजस्थान में भी लग जाए तो बहुजन समाज पार्टी के कार्य को ये लोग रोक नहीं पाएंगे। और 2023 में जयपुर की विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होगा साथी। लेकिन आपको अपने जोश और जुनून को खत्म नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है, आपको बदला लेना है, आपको बदला ऐसे लेना है, आज 6 विधायक जीते, 2008 में जीते, दोनों को दोनों बार भाग गए साथ, तो ऐसे बघेलू विधायकों को आपको जमानत पर जब्त करानी पड़ेगी साथियों। भविष्य में जिन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के साथ में धोखा दिया, गद्दारी की है, कभी भी विधानसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा के गेट तक पहुंचने की हिम्मत न कर पाए साथियों, ऐसी आपके अंदर ऐसी एक तमन्ना बननी चाहिए, जोश होना चाहिए साथियों। और साथियों मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 6 विधायक भागे हैं, हम 60 लेकर आएंगे और अपने मुख्यमंत्री इस बार जयपुर में बनाएंगे साथियों। और यह ठान लिया है हमने कि इस बार बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी और कोई कांग्रेसी और कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी के कार्रवाई को रोक नहीं पाएंगे साथियों। और इसके लिए आप लोगों को गांव गांव चलना पड़ेगा, घर नहीं बैठना पड़ेगा, आप लोग तमाम समय से पार्टी में काम कर रहे हैं,
गांव गांव में जाइए, बिना लालच के जाइए सर। एक गांव से दूसरे गांव में जाइए, अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करिए, माने बहन जी के कामों की बात करिए, माने श्री कांसी राम साहब की विचारधारा की बात करिए, बाबा साहब की बात करिए साथियों, और अपने हक और अधिकार की बात करिए साथियों, और संविधान की बात करिए साथियों, कि संविधान के अंदर जो आज हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने आखिर क्यों संविधान को लागू नहीं किया है। आज तक सिर्फ 30% संविधान लागू किया है और 70% संविधान को लागू क्यों नहीं किया सर। और रही बात साथियों आपकी, साथियों अभी हमारे प्रभारी जी बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस पद पर आपका बेटा आज उच्च सदन में गया हुआ है, उस पद पर ये धन्ना सेठों की पार्टी 500 करोड़ रुपया लेकर के राज्यसभा आती साथ। लेकिन धन है मान्य बहन जी, जिस गरीब के बच्चे को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। और मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आवाज, दलितों की आवाज और किसानों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, माइनॉरिटी की आवाज उच्च सदन में आपकी कमजोर नहीं पड़ेगी, जोरदार और जोरदार तरीके से आई जाएगी। लेकिन साथियों जो ताकत हमारे बहन जी में है, उस ताकत को हमको बना के रखना पड़ेगा साथियों। और ये कसम है हमें भी, जो हम जान रहे हैं कि जो हमारी टीम बैठी हुई है, ये जुझारू टीम बैठी हुई है साथियों, और ये काम करेगी। लेकिन मैं अभी भी इस काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जिस स्पीड में आप काम कर रहे हैं, उस स्पीड पे हम 2023 तक खिलाफ फतेह नहीं कर सकते। इसलिए हमें काम करने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अब हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 6 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो आपको 2400 घंटे गांव और धाड़ी में बिताने पड़ेंगे, और आपको जा के अलग बहुजन समाज पार्टी की जगानी पड़ेगी। तब जाकर 2023 के अंदर हम बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में पढ़ाएंगे साथ में। और ये ठान लिया साथियों हमने कि इस बार आर या पास। पहले भी हमने कहा था, शॉर्ट में मिला था साथियों, और 6 विधायक हमने, और कमी किसी कई वोटों पे हमारे विधायक हार दिए। पाली कोई का हमारा विधायक हार गया, बहुत छोटे मार्जिन में हार गया। मुंडावर भी हम बहुत कम वोटों से हारे साथ, और कई सारी सीटें और भी थी जो हम बहुत ही कम वोटों से हार गए साथियों। लेकिन साथियों वो गलतियां जो भी रही हो, संगठन में गलती रही हो चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन वो गलतियां अब दोहराई नहीं जाएंगी। एक ही लक्ष्य है इस बार कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री जयपुर की विधानसभा में बैठेगा साथियों। कई लक्ष्य हमारा साथियों, और इसके लिए साथियों कुछ मान्य बहन ने डायरेक्शन भी दिया, कुछ बताई है बातें, कुछ दिशा निर्देश आपको मिले हुए हैं। वो दिशा निर्देश इस मीटिंग के बाद जो हमारे जिला अध्यक्ष कर यहाँ पे आए हुए हैं वो उधर आएंगे, जहां हम रुके हुए हैं उधर 104-103 नंबर रूम में आएंगे, उधर आपके साथ में हम मीटिंग करेंगे, और जो मान्य बहन जी का निर्देश मिला हुआ है उसको अभी आपको पूरा करना पड़ेगा साथ, तब जाके बात बनने वाली है। जब मैं पहली बार इधर आया, जब फर्स्ट डे था मेरा, जब मान्य बहन जी ने मुझे प्रभारी बनाकर भेजा, तो मैं जब जयपुर में एंट्री किया तो पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली, पहले दिन रोक ली साथ। झंडा लगा हुआ था बीएसपी का, मेरे आगे जयपुर के साथी थे, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी भी साथ थे, इन्होंने कहा मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, और उन्होंने कहा मैं प्रभारी हूं, एक कांस्टेबल हमारी बात नहीं सुन रहा, उसने भी तय के बोला अरे तो होगा तो क्या करना है। तो मैंने भी कसम खा ली कि तुम्हारी जो आठ है वो खत्म कर देंगे साथियों। उसी दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मैं अपना मुख्यमंत्री इस विधानसभा के अंदर देखना चाहता हूं, और जिस दिन मेरा मुख्यमंत्री बनेगा ये डीजीपी पीजीपी सीजीपी जो भी होंगे वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे साथियों। मेरा एक जो कार्यकर्ता जाएगा, जो सेक्टर का कार्यकर्ता होता है, बूथ का भी होता है, ऐसा खड़े होकर सलाम करेगा साथियों। अब ऐसा आपने देखा भी उत्तर प्रदेश में, आपके बगल में साथियों है, आपके बगल में मथुरा है साथियों, जब मारिया बहन की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही और 4-4 बार सरकार रही, एक गरीब से गरीब अदना आदमी अगर थाने और चौकी में पहुंच गया तो थानेदार खड़ा होकर के जय भीम बोलता था साथियों, खड़ा होकर जय भीम बोलता था साथियों।
ये काम माननीय बहन जी ने किया और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने इतिहास लिख दिया जो 100 साल 200 साल 500 सालों का इतिहास है वो माननीय बहन जी ने अपने 4 साल 4 बार की सरकारों में लिख दिया। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बनाया और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई कहां बनाई नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना दी साथ दलितों के बच्चे पिछड़े के बच्चे ये लोग आईएएस आईपीएस बने कलेक्टर बने डीएम बने इंजीनियर बने डॉक्टर बने इनके लिए पूरी शिक्षा उत्तर प्रदेश में फ्री कर और कहा कोई पैसा नहीं पड़ेगा जीरो फीस पर एडमिशन होगा और गरीब का बच्चा एक भी पैसा फीस नहीं जमा करेगा और जो फीस जमा होगी वो आपकी बहना यहां मुख्यमंत्री है वो जमा करेगी आपको जमा करने की जरूरत नहीं सर। और आज हमारे भाई बहन इंटर पास करते हैं कोई आईएएस की तैयारी करता है कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है कोई मेडिकल की तैयारी करता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है उनके पिताजी मजदूरी करते हैं छोटा मोटा व्यापार करते हैं लाखों रुपए कैसे लेकर आएंगे कि अपने बच्चों को कोचिंग करवा दें। तो माननीय बहन ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमने पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर दी है जिसमें आपका बच्चा आएगा एडमिशन ले लेगा पढ़ाई फ्री होगी और पैसा भी 500 रुपया महीना फ्री मिलेगा कॉपी किताबें फ्री मिलेगी और खाना पीना रहना सब फ्री होगा साथियों। ऐसी सारी व्यवस्थाएं अगर हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई साथियों गांव गांव में विकास हुआ और उसके बाद 2012 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में वो विकास नहीं हुआ और जितना विकास माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में कर दिया साथियों गांव गांव में विकास हुआ गांव गांव में आरसीसी रोडें बनी गांव गांव में पार्क बनाए गए गांव गांव में स्कूल बनाए गए गांव गांव में मिनिस्ट्रियल बनाए गए गांव में हर गांव के अंदर गरीबों के लिए राशन की दुकानें बनाई गई और शहरों के अंदर जो हमारे गरीब भाई बहन रहते थे उनके लिए 2.5 लाख मानदर श्री कांसी राम शहरी आवास बना दिए जिसमें गरीब के लोग रहते हैं श्री और साथियों उस मकान की कीमत कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है और 15 से 20 लाख मकान रुपए की कीमत के रुपए मकान को माननीय बहन जी ने गरीबों में सब समाज में फ्री बांटने का काम किया कोई जातिवाद नहीं किया साथियों। मैंने कहा कि इतिहास माननीय बहन जी लिख दिया साथियों इतिहास तो लिख दिया और अभी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी उधर गुंडागर्दी का आलम था साथियों और अभी भी गुंडागर्दी साथियों है 700 से 800 ब्राह्मणों का मर्डर हो चुका है 300 ब्राह्मणों का तो एनकाउंटर हो गया साथियों कितने लोगों के मकान तोड़ दिए गए साथियों और उसके बाद अपराध चरम पे साथियों कितना अपराध चरम पे साथियों आपके सामने हाथरस कांड है याद है नहीं याद है आपको हाथरस कांड भी आपके सामने याद होगा बलरामपुर कांड भी आपके सामने याद होगा इसके अलावा भी और भी कांड हुए इन सब में आप कोई चीज भूलना नहीं है आपको सब कुछ याद रखना है और आने वाले समय में अपना बदला हाथी के बटन का दबा करके लेना है जब तक चुनाव ना आ जाए तब तक खून के घूंट पिए रखो और जिस दिन चुनाव आ जाए पूरी ताकत के साथ में हाथी का बटन दबा देना और आपका बदला पूरा हो जाएगा साथियों और जिस दिन हाथी का मुख्यमंत्री पहुंचेगा जयपुर के अंदर बीएसपी का मुख्यमंत्री बनेगा उसी दिन साथियों राजस्थान के अंदर दलितों के दिन बहु रहेंगे साथियों किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहु बेटियों के साथ में जोर चुलम जाति करते छोड़ दीजिए किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहु बेटियों की तरफ आग उठा कर भी देख रहे साथियों ये मैं कहना चाहता हूं साथियों आपके साथ अभी मैंने 3 दिन की पहले की खबर देखी नागौर के अंदर एक दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ साथियों और ऐसे बलात्कार अजाने कितने यहां होते रहते साथियों कोई आवाज नहीं साथियों और जब भी उठाई जाती है आवाज तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के शेर पहुंचते हैं साथियों चाहे वो आपकी दोसा की घटना रही हो
चाहे वर्ण की घटना रही हो और चाहे हिंडोन की घटना रही हो, इस सारे घटनाओं में बहुजन समाज पार्टी हित पहुंचती साथ में। जब हर जगह हम पहुंचते हैं, ये हमारी टीम पहुंचती है, ये आपका दायित्व बनता है कि बहुजन समाज पार्टी को आपको ताकत देनी है। और ताकत कैसे देनी है? ताकत देनी है आने वाले 2023 में बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायकों की ताकत के आप भरतपुर से भेज देंगे सर। और जिस दिन सात के सातों विधायक पहुंचेंगे, इतिहास बन जाएगा भरतपुर का साथियों, बहुजन समाज पार्टी का जो गढ़ है ये भरतपुर साथी है। इसलिए साथियों, हम पहले भी कह रहे थे कि जब मैं कदम रखूंगा और जिस दिन कदम रखूंगा राजस्थान के अंदर, कांग्रेस ही घबरा जाएंगे साथियों। और आज भी देखिए हुआ नहीं हुआ। आज भी जब मैं आया तो कांग्रेस ही चमचे आ गए उधर मुर्दाबाद न लगाने के लिए साथियों। इतना खौफ है कांग्रेस के मुझसे साथियों, इतना खौफ है। पहले तो कह रहे थे 140 सीटें जीतेंगे हम लोग, कह रहे नहीं कह रहे थे, मीडिया बोल रही थी 130 आ रही है कांग्रेस की, 140 आ रही साथियों। और जब हाथी ने करवट ली तो 100 भी नहीं हो पाए, 99 पर डग गए साथियों, 99 डग गए साथियों। ये तो अंगड़ाई थी साथियों, ये तो अंगड़ाई थी कि तुम 99 डग गए साथियों। और 2023 में हमारी लड़ाई होगी और 2023 में बहुजन समाज पार्टी 60 विधायक जिता करके राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी सर। इस बार कोई भी हमें नहीं रोक सकता साथियों, क्योंकि हम लोग इस महीने के बाद से, सदन के खत्म होने के बाद से गांव गांव धाड़ी धाड़ी जाएंगे साथियों। और हमने पहले आदेश किया हुआ है, अपनी टीम से आदेश किया हुआ है कि हमारी टीम में लोग हैं गांव में जाएंगे, कार्यकर्ता के घर में सूखी रोटी जो मिलेगी वही खाएंगे, इसके अलावा चिकन मटन कहीं कोई खाएगा नहीं साथियों। और आज तक रिकॉर्ड रहा है साथियों, ये एक दो साल के हमारे जो प्रभारी गांव में जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होता है कि कोई चिकन मटन को खिला दे साथियों। जो आप दाल रोटी खिलाओगे, जो आप बाटी चोखा खिलाओगे, दाल बाटी खिलाओगे, वही हम लोग खाएंगे। और गांव गांव जाएंगे, धाड़ी धाड़ी जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाएंगे साथियों। वर्तमान का नीति का हम विरोध करते हैं साथियों। सारे के सारे सांसदों ने, हमारे सांसदों ने माननीय बहन जी के आदेश पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया, हमारा कोई भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं गया, क्योंकि हम किसानों के साथ हैं साथियों। और किसानों के साथ में थे और आज भी हैं साथियों। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग माननीय बंच के सम्मान में, हमारे महापुरुषों के सम्मान में खड़े होकर के जोरदार नारा लगाइए और ये आवाज भरतपुर की जो है जयपुर तक जानी चाहिए साथियों। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।